वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जहां लोग अपनों की मदद करने के बजाय दूरियां बना रहे हैं, लेकिन नूरपुर में प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग की कर्मी संकट के इस वक्त में भी कोरोना संक्रमित मरीजों व उनके परिवारों की मदद के लिए साथ खड़े हैं। प्रदेश सरकार ने लोअर कांगड़ा के तहत आने वाले नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर तथा ज्वाली उपमंडल के कोरोना संक्रमित मरीजों को घर के नजदीक बेहतर एवं तुरंत उपचार मुहैया करवाने के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों का डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल बना दिया है। प्रदेश सरकार ने एक सप्ताह के रिकॉर्ड समय के भीतर इस सेंटर में सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करवाकर 16 मई से कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू कर दिया है। सर, सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में DCHC नूरपुर 16 मई से काम कर रहा है और जैसे ये ऑफिशियली तो शुरू होगा था कोविड पेशेंट्स के लिए 16 मई को, पर हमारे पास पेशेंट जो पॉजिटिव कोविड थे वो 6 मई से आने शुरू हो गए थे, तो तब तक हम 40 पेशेंट अटेंड कर चुके थे, मैनेज कर चुके थे एज़ पर प्रोटोकॉल्स। और 16 मई को के बाद जो हमारे पास पेशेंट आए हैं जो विद जिनको हम ऑक्सीजन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी दे चुके हैं, उनमें हम टोटल 27 पेशेंट हम मैनेज कर चुके हैं, जिसमें जो लेवल 3 वाले पेशेंट थे उनको IC फैसिलिटी के लिए विद अप्रूवल भेजा गया था और बाकी पेशेंट को हमने घर डिस्चार्ज विद एडवाइस भेज दिया गया था। अभी भी मेरे पास यहाँ हमारे DCHC नूरपुर में 10 पेशेंट्स ऑक्सीजन बेड्स पे हैं। आज रही बात सिलेंडर स्टेटस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, तो हमारे पास सफिशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और जिसमें से अभी 10 पेशेंट के साथ लगा हुआ है, 9 हमारे खाली हैं और 40 हमारे ऑक्सीजन बैंक सिलेंडर्स में पड़े हुए हैं, तो कल तक हमें सफिशेंट हैं। रही बात पेशेंट्स की खाने के बारे में, उनके पानी की व्यवस्था के बारे में, तो हम बराबर उनको खाना 3 टाइम उनको दे रहे हैं, इसके साथ चाय और फल फ्रूट भी दिया जा रहा है एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर डाइट चार्ट। और हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस और हमारे वार्ड बॉय रेगुलरली पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको अटेंड कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनको होमली एटमोसफेयर देने की पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।